स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एस बी एन क्लासेज नावा सिटी नागो वी आर स्टडिंग इंग्लिश रीडर बुक फॉर क्लास फोर्थ एंड चैप्टर नंबर टू हम चैप्टर नंबर टू रीड कर रहे हैं क्लास फोर्थ के लिए इंग्लिश रीडर का एंड वी हैव स्टडीड हाफ चैप्टर इन द लास्ट वीडियो आई होप यू हैव डन द स्पेलिंग्स इन योर नोट एंड आल्सो लर्न दैम एंड रेड द लेसन एट होम नाव वी आर

चैलेंज कर दिया था वार्निंग दी थी कि यदि रूम को सही से सेटअप नहीं किया तो मैं तुम्हें राइट कर दूंगा बिल्कुल तो अब वो अपसेट हो गया विद्या लव्ड हर ब्रदर टू मच विद्या अपने भाई को बहुत अधिक टू मच मीन्स बहुत अधिक प्रेम करती थी वैन शी सा हिम अपसेट शी वेंट टू हिम एंड टॉल्ड डोंट वरी ब्रदर जब उसने देखा अपने भाई को परेशान उसे परेशान देखा अपसेट देखा तो वह उसके पास गई शी वेंट टू हिम वह उसके पास गई और कहा टोल्ड यानी कहा बोली डोंट वरी ब्रदर वरी मीन्स चिंता करना चिंता मत करो भाई डोंट एड कर दिया तो नेगेटिव हो गया चिंता मत करो भाई आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूँगी वैन वी विल रिटर्न फ्रॉम स्कूल बॉथ ऑफ अस विल क्लीन दिस रूम जब हम स्कूल से लौटेंगे तो हम दोनों बॉथ मीन्स दोनों हम दोनों इस रूम को क्लीन करेंगे जब हम स्कूल से लौटेंगे तो हम दोनों इस रूम को क्लीन करेंगे प्रफुल्ल फैल्ट बैटर एंड सैड थैंक यू दीदी प्रफुल्ल को अच्छा अनुभव हुआ अधिक अच्छा फेल्ट यानी अनुभव किया रिलैक्स मिला परेशान हो गया था अब कैसे रूम साफ करूं, वो तो हमेशा गंदा रहता था डर्टी रहता था रूम को अंटाइट रखता था वैन जब वैन हर सिस्टर हिज सिस्टर सैड वी विल क्लीन द रूम आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल देन ही फेल्ट बेटर तब उसने अच्छा अनुभव किया और उसने कहा धन्यवाद दीदी दी। तो उसने क्या कहा धन्यवाद दीदी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ऑन मंडे

वस्तुएं थिंग्स मीन्स सामान और वस्तुएँ कैप्ट मींस रखा कैप्ट मीन्स रखा प्रॉपर उचित प्लेस मीन्स स्थान प्रॉपर मीन्स उचित एंड प्लेसेज मीन्स स्थान आफ्टर मीन्स के बाद इस मंडे को मंडे को स्कूल से लौटने के बाद रिटर्निंग मीन्स लौटना मंडे को स्कूल से लौटने के बाद उन्होंने उन दोनों ने बोथ मीन्स दोनों ऊपर बताया था मैंने बोथ का मीनिंग दोनों उन दोनों ने कमरे का सारा बिखरा हुआ सामान इकट्ठा किया कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा किया गैदर किया इसकेटर्ड मीन्स बिखरा हुआ कमरे का सारा बिखरा हुआ सामान इकट्ठा किया और उसे प्रॉपर प्लेस पे रखा सही जगह पर रख दिया इधर उधर जो बिखरा हुआ था पड़ा था उसे सही जगह पर प्रॉपर प्लेस पे रख दिया ऑन ट्यूजडे दे क्लींड द स्टडी टेबल एंड अरेंज ऑल द बुक्स ऑन शेल्फ ट्यूजडे को ट्यूजडे को मीन्स मंगलवार को उन्होंने स्टडी टेबल को साफ किया क्लिनड मीन्स साफ़ किया स्टडी टेबल पढ़ाई करने की जो टेबल होती है जिस पर बैठ के हम स्टडी करते हैं उस पर भी उसने बहुत सारी किताबें पेन पेंसिल कॉपीज सब ऐसे ही बिखेर रखी थी तो स्टडी टेबल को क्लीन किया और बुक्स को शेल्फ मीन्स अलमारी रैक जो बुक रैक होती है सेल्फ उसे बोलते हैं उसमें अरेंज किया व्यवस्थित किया जमाया अरेंज करना मीन्स जमाया सेटअप किया ऑन वेंजे विद्या गॉट अलॉट ऑफ होमवर्क फ्रॉम स्कूल सो शी कू डू एनी थिंग वेंसडे को वॉट मीन्स ऑफ वेंसडे इट्स बुधवार को बुधवार को विद्या को स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला गॉट मीन्स मिला प्राप्त हुआ विद्या को स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला इसलिए सो मीन्स सो मीन्स इसलिए इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकी एनीथिंग मीन्स कुछ भी वह कुछ भी नहीं कर सकी कोई हेल्प नहीं करी उन्होंने उसने विद्या ने मंडे को उसने उन्होंने सारा सामान इकट्ठा करके सही सही जगह जमाया ट्यूसडे को स्टडी टेबल क्लीन करी और सेल्फ बुक शेल्फ को अरेंज किया लेकिन वेंस्डे को विद्या ने कोई हेल्प नहीं कर सकी वो प्रफुल्ल अलोन क्लीन हिज रूम प्रफुल्ल ने अकेले ही अपना कमरा साफ किया प्रफुल्ल ने वेंसडे को अकेले ही काम किया बिकॉज विद्या गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क फ्रॉम स्कूल क्योंकि विद्या को स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला था तो वह अपना होमवर्क करने में लगी रही ओके स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड फ्रॉम प्रफुल्ल टू हिज रूम यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है एंड नेक्स्ट टू वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो यू आर टू रीड दिस लेसन And write spellings in your notebook and learn them. Thank you.